अ ब्लॉक रेस्ट ओवर एन इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन आपको दे रखा है, आपको एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लिनेशन कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक रेस्ट में, पढ़िएगा ध्यान से जरा, ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है। और आपको ब्लॉक के बीच में और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना ब्लॉक का? 10 न्यूटन। तो उससे हमारे पास में उसका ब्लॉक का मास पूछा। चलिए हम देखें ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ब्लॉक पर पहली बात तो एम जी फोर्स लगेगा नीचे। जब ब्लॉक पर एम जी फोर्स लगेगा नीचे तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, एम जी कॉस 30। ये फोर्स हो जाएगा एम जी कॉस 30 और ये फोर्स हो जाएगा एम जी साइन 30, ठीक है। और ब्लॉक चूंकि नीचे आएगा इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उस पर ऊपर और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कहाँ पर? हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। अब ब्लॉक रेस्ट में है तो इसलिए एन बराबर कितना होगा, एन बराबर होगा एम जी कॉस 30। आप यहाँ पर सभी की वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास में एन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो इससे फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा म्यू एन। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू एन। अब म्यू कितना आपको दे रखा है, म्यू आपको दे रखा है और एन की वैल्यू आपने ऊपर जब भी निकाली वो आप यहाँ रख देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स आ गया और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको 10 न्यूटन दे रखी है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको 10 न्यूटन दे रखी है, तो इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, ब्लॉक का मास। मैंने जैसा आपको ये सॉल्यूशन बताया, मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट जो है वो सॉल्यूशन को ऐसे ही करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए आपने एम जी को रिजॉल्व किया, एम जी कॉस 30 आया, ये एम जी साइन 30 आया, ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर रहेगा, चूंकि ब्लॉक नीचे आना चाहता है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। अब ब्लॉक चूंकि रेस्ट में इसलिए जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगेगा, तो चलिए हमने ये कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया म्यू एन, उसकी वैल्यू दे रखी है 10, म्यू की वैल्यू आपके पास में जी ए कॉस 30, तो आप एम निकाल देंगे। मोस्टली स्टूडेंट इसी तरीके से करेंगे, जो ये सॉल्यूशन जो है ये पूरी तरह से रॉन्ग है, चूंकि ये रॉन्ग है और इस पर गलती करते हैं इसलिए पहले मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया। अब एक्चुअली आप देखिए, मैंने आपको जैसा कहा क्वेश्चन पढ़ते समय कि ब्लॉक रेस्ट में, एक बात बहुत अधिकतर लोग गलती करते हैं कि वो फटाफट फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू म्यू एन रखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एन तब होती है जब बॉडी मूव कर रही हो, फ्रिक्शनल फोर्स की बॉडी जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन जब बॉडी मूव कर रही हो, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो, बट यहाँ पर बॉडी रेस्ट में, और जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो ध्यान दीजिए वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के, किसके, अप्लाइड फोर्स के। यहाँ मैं एक और बात बताऊँ आपको, कई स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। म्यू एस जो है सर वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशियंट है, ऐसा नहीं है, ये एफ एस नहीं होता, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, ये होता है बेसिकली काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालना हो तो दैट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग, दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन वाला फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको लिमिटिंग निकालना हो, लेकिन अगर बॉडी स्टैटिक है मूव नहीं कर रही है तो हमेशा एफ एस इक्वल टू होगा कैपिटल एफ। अब यहाँ एफ एस कितना है, कैपिटल एफ कितना आ रहा है, देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, इस ब्लॉक पर अगर देखा जाए तो अप्लाइड फोर्स कितना है, ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स है एम जी साइन 30। ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स कितना है, एम जी साइन 30, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉक पर अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और अप्लाइड फोर्स जो इस सिचुएशन में लग रहा है वो लग रहा है कितना, एम जी साइन 30, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में एम जी साइन 30। अब एम जी साइन 30 आ गया और इसकी वैल्यू आपको दे रखी 10, एम आपको निकालना है, जी साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। सॉल्व कर लीजिए तो एम की वैल्यू इससे जो आएगी वो 2 kg आएगी, समझे आप। ये बात ध्यान रखिएगा अगली बार से आप जब भी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी म्यू एस इंटू एन के बराबर नहीं होता, म्यू एस इंटू एन से जो फोर्स निकालते हो वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हाँ काइनेटिक अगर होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा कितनी, म्यू के इंटू एन, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा दिस फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है।